for the day, that is tips for telephone conversation. Formal telephone calls are not easy, students, and I've seen many people around me who just feel nervous or sound nervous while talking to someone on the telephone. So here I am with some of the important tips which I'm sure is going to help you in just building your confidence. So let's get started. First is answering the phone. सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, answering the call. There are two ways of answering the call. First is formal way and second is informal way. Here we are discussing the formal ways. ठीक है, फॉर्मल वे हम किसे कहते हैं, औपचारिक, एंड इनफॉर्मल हम कहते हैं अनौपचारिक. फॉर्मल वे में हम किन से बात करते हैं, अपने कलीग से, अपने सीनियर से या अपने बॉस से. ठीक है, और इनफॉर्मल वे में हम किससे बात करते हैं, अपने किथन किन से, मींस अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से. तो द फर्स्ट वन इज आंसरिंग द फोन. फॉर्मल वे ऑफ आंसरिंग द कॉल इज, हेलो, दिस इज भावना शर्मा हियर, हाउ कैन आई हेल्प यू. हम ऐसे ही तो बोलते हैं, हेलो, मैं भावना शर्मा बोल रही हूँ, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ. नाउ आफ्टर आंसरिंग द फोन, द सेकेंड वन इज इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ. ठीक है, सेकेंड है आप अपना परिचय कैसे दोगे, और परिचय भी अगर आपको देना है तो आपको बहुत औपचारिक रूप में देना है, इन ब्रीफ, कम से कम शब्दों में देना है. तो आप कहोगे, हेलो, दिस इज भावना शर्मा हियर, आई एम टॉकिंग फ्रॉम आरबीटी विद्यालय, आई एम कॉलिंग यू रिगार्डिंग व्हाटसोएवर. ठीक है, या आई एम कॉलिंग यू टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द अपडेट ऑफ योर वार्ड. आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, इफ सपोज यू आर आस्किंग टू स्पीक टू समवन, अगर आपको किसी से बात करनी है एंड द पर्सन इज नॉट अवेलेबल देयर राइट नाउ. ठीक है, अगर आपको किसी से बात करनी है और वो पर्सन उस समय वहाँ नहीं प्रेजेंट है, तो वॉट विल बी द फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग टू स्पीक टू समवन, इज सिया अवेलेबल देयर, क्या सिया वहाँ उपलब्ध है, या कैन आई स्पीक टू सिया प्लीज. नाउ आफ्टर आंसरिंग द फोन, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, आस्किंग टू स्पीक टू समवन, द नेक्स्ट वन इज आस्किंग फॉर रेपिटेशन. मतलब अगर आपकी फोन पे किसी से बात हो रही है और आपको उनकी आवाज नहीं समझ में आ रही है, तो एट दैट टाइम व्हाट कैन बी द फॉर्मल वे फॉर आस्किंग फॉर रेपिटेशन, आप कैसे किसी भी बात को दोहराने के लिए कहोगे औपचारिक रूप से, दैट इज वुड यू माइंड स्लोइंग डाउन. या तो आप एक ये कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो, आई डिडंट कैच दैट, कैन यू रिपीट योर सेल्फ टेकिंग अ मैसेज फॉर समवन. इफ सपोज यू हैव टू टेक अ मैसेज फॉर समवन, अगर आपको किसी के लिए कोई मैसेज लेना है, तो व्हाट कैन बी द फॉर्मल वे ऑफ टेकिंग अ मैसेज फॉर समवन. इफ यू लीव अ मैसेज, आई विल बी श्योर टू गेट इट टू हिम एज सून एज ही और शी इज अवेलेबल. नाउ द नेक्स्ट वन इज पुटिंग समवन ऑन होल्ड. Often it happens while we are just talking to someone, due to poor connection we are just unable to hear. So in that condition, if you are just putting someone on hold, what can be the formal way of putting a person on hold? Would you mind holding for a moment please? So the last point is ending your call. So how can you end your call in a very formal way? Thanks for calling, I have another call, so I will need to let you go. Thanks for calling. Have a nice day. Have a fantastic day, or have a great day. So this was all about the tips for telephone conversation. Thanks for watching.